हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं लीवर डिजीज़ के बारे में कि किस तरीके से आप लीवर डिजीज़ की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो क्या बेस्ट पार्ट लगता है उसको ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ के ये हमें पता लग सके कि जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं उस वीडियो को आप देखने के बाद वो यूज़फुल आपके लिए होती हैं। सो व्हाट इज़ लीवर, आज हम बात करेंगे लीवर के ऊपर और इसका फंक्शन किस तरीके से आपके बॉडी में होता है उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लीवर जो कि हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपके ऑर्गन पार्ट के अंदर। सो ये आपके बॉडी के अंदर जाके बहुत सारी वेरियस फंक्शंस करता है। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं हमारी बॉडी बहुत सारी टॉक्सिन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करती है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स को कंज्यूम करती है, एडेक्टिव्स एंड अदर चीज़ें जो कंज्यूम करती हैं वो लीवर कहीं ना कहीं प्रोसेस करता है। ये टॉक्सिन जो हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और वाटर सॉल्युबल बनते ही ये देन पास ऑन हो जाते हैं आपकी किडनी पे, जहाँ पे ये बॉल और एक्सक्रीशन के थ्रू आपके उस एरिया तक पहुँच जाता है। सो आज की डेट के अंदर जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स और एडेक्टिव सब्सटेंस उसके अंदर ऐड करा ही गया है, तो जिसकी वजह से टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीवर वर्क करता है उन चीज़ों के ऊपर बहुत प्रोसेस, ताकि वो फिल्ट्रेशन कर सके टॉक्सिन्स को डायरेक्टली और जो आपके बॉडी से इस तरीके से बाहर हो सके, और जो आपके बॉडी से बाहर नहीं हो पाती हैं उनको आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है, ताकि आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट होना स्टार्ट हो सके ईजिली तरीके से, ताकि आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने में इसको कोई दिक्कत ना आए। और हर एक सेकंड के अंदर जो आपका ब्लड प्योरीफायर होता है, यानी कि 1/4 ऑफ ब्लड आपकी बॉडी में लीवर हमेशा 1 मिनट के अंदर प्योरीफाई करता है। लीवर के प्रोसेस कर लेने के बाद ये वेस्ट किडनी में जाता है और उसके बाद कॉलन में जाकर वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब भी आपके लीवर को वेकेशन चाहिए होगा देन आपका जो मूड होगा ना थोड़ा सा मूडी हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, ब्लोटेड फील करना स्टार्ट करेंगे आप, वेट प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्किन बहुत ही इरिटेट हो जाएगी। और जब आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है तो इरिटेट होने के बाद बेसिकली रहता क्या है कि आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, आपको फील होना स्टार्ट हो जाती है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। बट अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग रेगुलर करते हैं तो ये जो लीवर का वेकेशन पीरियड है ये बहुत लंबा भी हो सकता है, जिसके वजह से आपका खाना आपकी बॉडी में सड़ता रहेगा, आपके मुंह से बास आएगी और बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी, आपके डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम आपकी देखना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ओकेजनली करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ज़िद कर लेते हैं, इसको एडिक्टेड बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे और आपके लीवर को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। प्रीवियस टाइम में लोगों का जो खाना होता था वो बहुत ही सिंपल रहता था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत ही इजी तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कर लेती थी और लीवर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट आज के डेट के अंदर जो लोगों का लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग लीवर को बहुत वर्क करना पड़ता है, जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ गया उसका जो कि ब्लड को प्योरीफाई करता है, हार्मोनल चेंजेस होना स्टार्ट हो चुके हैं, लोग ड्रग्स लेना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोग अल्कोहल स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, जिसके वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो लीवर हो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और जब वो खाना खाते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडी में कभी भी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हेपेटाइटिस एक ऐसा लीवर डिजीज़ है जो कैजुअल है, जो किसी को भी हो सकता है, बट हेपेटाइटिस वी वायरस के बढ़ने में बहुत ही ईजली तरीके से जो उसको हेल्प करता है वो क्या है कि आपके मूड का शिफ्ट हो जाना, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट भी हो सकता है। कैसे? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, बॉडी फ्लूड्स के थ्रू, ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू और इवन सलाइवा के थ्रू भी ये जो हेपेटाइटिस बी की वायरस की प्रॉब्लम है ये लोगों में फैल सकती है। सो आपको इन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना है, और अगर सही तरीका अगर आपने सही समय पे इस्तेमाल नहीं करा तो ये हेपेटाइटिस वायरस आपकी बॉडी में ग्रो करना स्टार्ट करेगा और धीरे 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 करके ये हेपेटाइटिस बी का वायरस का रूप ले लेगा। ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, अगर आपने इस टाइम को संभाल लिया तो ये वायरस आपका कैंसर में ना कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। अदरवाइज़ ये कैंसर अगर बन जाता है तो लीवर कैंसर की वजह से मैक्सिमम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। ये कुछ सिम्टम हैं जिनको देखने के बाद आप पता लगा पाएंगे कि जो प्रॉब्लम आपकी बॉडी पे हो रखी है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम, क्योंकि जो हेपेटाइटिस ए होता है वो तो नॉर्मल कंडीशन में रहता है, उसको हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं इतनी ईजी तरीके से, बट हेपेटाइटिस बी में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ईजिली है और ये बहुत ही पेनफुल और हार्मफुल रहता है और बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। लीवर टॉक्सिन से फिल आउट ना हो जाए इसके लिए आपको कुछ खास बात को ध्यान रखना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिम्बल्स हैं, क्या सिम्टम हैं जिनकी वजह से आप देख पाएंगे कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रखी है। ओवरवेट, एब्डोमेन ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फटीक फ्रीक्वेंट, आपको हेड एशेज आपको होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपको डार्क सर्कल्स होते हैं आपके अंडर आई पर ज़्यादा होने लग जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बैड बर्थ की प्रॉब्लम और वीक इम्यून सिस्टम अगर आप लगातार है आपकी बॉडी के अंदर, तो आप ज़रूर चेकअप कराएं डॉक्टर के पास, ताकि इसका इलाज आप ढूंढ के इसको ठीक कर सकें। थर्ड, तीन तरीके जो कॉमन देखेंगे लीवर डिजीज़ के अंदर, वो हेपेटाइटिस बी, फैटी लीवर, साइरोसिस, जिसको हम हार्डनिंग ऑफ लीवर भी कहते हैं। सो आज के डेट के अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके आपकी बॉडी में अगर लीवर की प्रॉब्लम ये बढ़ रही है या बनती है, तो उसको आप बहुत जल्दी तरीके से इस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, और सेफ तरीके से और सिंपल तरीके से आप अपनी बॉडी से उसको लीवर को ठीक करके आप हेपेटाइटिस फैटी लीवर ट्रीटमेंट जो रहता है ये रीज़न रहता है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल बैटर का, तो आपके गॉल बैटर में भी बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है। सो किसी भी एज रेंज में हो सकता है, ऐसा नहीं है किसी छोटे बच्चों को या एज रेंज को होता है या मिड रेंज को होता है, किसी भी एज रेंज में लोगों का जब भी लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं रहेगा, खान पान उनका अच्छा नहीं रहेगा, उनकी डेली हैबिट्स अच्छी नहीं रहेंगी, तो ये प्रॉब्लम उनकी बॉडी पे उनको हो सकता है। हेल्थी लीवर को बनाए रखने के लिए आपको ऑर्गेनिक डाइट लेनी ज़रूरी है, जो हेल्थी भी हो और ऑर्गेनिक हो। आपको अडेप्ट करना होगा हेल्थी लाइफ स्टाइल, हेल्थी हैबिट्स, ताकि आप अपनी उन गलत ईटिंग हैबिट्स को सुधार सकें। अगर आप वो नहीं सुधारते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लीवर को इनफ अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो फंक्शन स्मूथली नहीं कर पाएगा। अगर आप अपने डाइट को मेंटेन रखते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, सैर करते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे सोते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर की प्रॉब्लम वो कभी भी आपको फेस नहीं होगी। हेल्थ सप्लीमेंट्स के अंदर पावरफुल हर्बल सप्लीमेंट ऐड करेगी, इंग्रेडिएंट ऐड करे होते हैं जिनकी वजह से ये आपकी बॉडी में जाकर फाइट करता है, और सेल डैमेज या किसी भी तरीके को डैमेज या इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में हो रखा है, और आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की क्राइटेरिया है प्रोसेस, उसको स्मूथ बनाता है और लोअर लीवर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को रिवर्स करने में हेल्प करता है। क्या क्या प्रोडक्ट जो हैं जो फॉरएवर के अंदर हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करेगा। तो फॉरएवर के अंदर हमारा पहला प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो है आपका एलोवेरा जेल, जिसको आपको 30 से 40 ml आपको एम्प्टी स्टोमक लेना होता है। 2 glass of water, वार्म वाटर अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आप बहुत ही इसी तरीके से अपने लीवर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स एडेड होंगे उनको इस तरीके से आप रिमूव कर पाएंगे। फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन की अगर बात करें, तो आपको ये 3 tablets आपको लेनी है खाना खाने के बाद, एक मॉर्निंग में, एक लंच में और एक डिनर के अंदर। थर्ड प्रोडक्ट हमारे पास है फॉरएवर लाइसियम प्लस, जिसको आप 3 tablets आप ले सकते हैं, सेम आपका मॉर्निंग, लंच और डिनर के अंदर। फॉरएवर सी प्लस, जो कि एक विटामिन इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट बनाएगा, ताकि आपका जो वीक इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग बन सके। 3 tablets आपको यहाँ पे भी कंज्यूम करनी है, एक मॉर्निंग में, एक लंच में और एक डिनर के अंदर। लास्ट आपको लेना है बी प्रोपोलिस। बी प्रोपोलिस के अंदर एक ऐसे स्ट्रांग विटामिन हर्ब्स ऐड करे गए हैं जो रॉयल जेली के एक पैसेंस से, एक सोर्स से लिया गया है। सो ये जब इसको यूज़ करेंगे, तो आपका बॉडी के अंदर जो भी वायरस आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहा है, उसको फ्री रेडिकल्स को बाहर आपकी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करेगा। 3 tablets कंज्यूम करनी है आपको, एक मॉर्निंग में, एक लंच में और एक डिनर के अंदर। सो ये जो आपके पास प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं 5, आप इनको यूज़ करें। अगर आप इनके बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मैं इस चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पे आप इन प्रोडक्ट के, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शेयर कर दूंगा, ताकि वहाँ से भी आप इस वीडियो को आप देख सकें, जो जो वीडियो आप देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा होगा। इस वीडियो को आप उस हर एक पर्सन तक शेयर करें जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आपको ये जो मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया है, जो प्रोडक्ट्स बताए हैं आपको, इनको आपको मिनिमम 3 से 6 महीने तक यूज़ करना, ताकि एक बेटर रिजल्ट आपको मिल सके। और एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद, ये प्रॉब्लम बहुत कम लोगों को दोबारा होती है, क्योंकि उनका इंटेस्टाइन उस तरीके का बैलेंस हो जाता है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल के न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जब भी हम इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो डालें, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके, ताकि आप अपने लोगों की हेल्प कर सकें इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। चैनल पर मैं भी देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को देखते तो हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब हमें पुश करता है आपने माइलस्टोन को अचीव करने के लिए, और आपके लिए एक ऐसे ही बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच इस चैनल पे बने के लिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो, ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है, करना है। तो करो ना भाई।
क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।